Modi and business tycoon Adani are close allies. जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है, कोई जांच की बात करता है, तो देश बदनाम हो गया। अरे भैया, देश बदनाम ऐसे नहीं होता है। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के पीएम मोदी पर दिए बयान पर बवाल मच गया है। अडानी से लेकर पीएम मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने, भारत को एक हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाने का आरोप लगाने वाले सोरोस के बयानों के खिलाफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोरोस के बयान को देश पर हमला बताया। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है, कोई जांच की बात करता है, तो देश बदनाम हो गया। अरे भैया, देश बदनाम ऐसे नहीं होता है। देश तब बदनाम होता है कि कहीं शक होता है और आप जांच से भी भागते हो तो शक गहरा हो जाता है। आप चोर हो, वो लोगों के दिल में बैठ जाता है। जांच करवाइए। बाद में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत के लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, यह पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष और हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी लिखती है, जॉर्ज सोरोस कौन है और भाजपा का ट्रोल मंत्रालय उनको समर्पित करते हुए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है? BTW मंत्री जी, भारत की चुनावी प्रक्रिया में इजराइल एजेंसी के हस्तक्षेप पर कोई टिप्पणी, यह भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, स्मृति ईरानी जी साफ सुन लो, मोदी जी को कोई झुकाए कोई उठाए ये देखना भाजपा का काम है, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को झुकाने की औकात दुनिया में किसी की नहीं है। भाजपा देश के पीछे न छुपे। जिस मामले पर इतना बवाल मचा है वो असल में है क्या? 16 फरवरी को जर्मनी के म्यूनिक में सुरक्षा सम्मेलन से पहले टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जॉर्ज सोरोस ने कई बड़ी बातें कह डाली। उन्होंने पीएम मोदी पर अडानी के स्टॉक में हेरफेर करने का आरोप लगाया। अडानी विवाद पर उन्होंने कहा, अडानी इंटरप्राइजेज ने शेयर बाजार में धन जुटाने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहा, उनका स्टॉक रेत की महल की तरह ढह गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर चुप हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का जवाब देना होगा। सोरोस ने पीएम मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने और भारत को एक हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाने का आरोप भी लगाया। इंडिया मोदी एंड बिजनेस टाइकून अडानी आर क्लोज एलाइज। Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door for to push for much needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. सवाल है कि आखिर जॉर्ज सोरोस के बयान पर इतना बवाल क्यों मचा है? क्योंकि वो अमेरिका के मशहूर व्यापारी हैं, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के निदेशक बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं। उन्होंने एक दर्जन से ज्यादा किताबें भी लिखी है। अमेरिका में जॉर्ज सोरोस का अपना एक अलग दबदबा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को बेहद गंभीर बताया है।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए ऐसा बयान दिया गया है। जब भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। उधर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि विदेशी एजेंसियों का सहारा लेकर मोदी सरकार देश के लोगों को गुमराह कर रही है और इसी के सहारे सत्ता हासिल किया गया है। लगातार मोदी सरकार अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ, एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसा काम करती है जिससे लोकतंत्र का हनन हो। पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका और उसकी भूमिका 2014 के चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर पांच राज्यों में, फिर पेगासस जिससे अपने ही लोगों पर, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर, चुनाव के अधिकारियों पर और विपक्षी प्रतिद्वंदियों पर जासूसी कराई गई। अब मामला सामने आया, इजरायली की कंपनी का, प्राइवेट कंपनी है, 30 देशों में इन्होंने लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करी है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। सवाल बड़े साफ है और सवाल बड़े सुलझे हुए हैं। सवाल यह है कि इतनी बड़ी खबर आने के बाद, जिन 30 देशों में से एक भारत भी है, भारत की सरकार चुप क्यों है? अब देखते हैं इस पूरे मामले पर आगे और भी कौन सी नई बातें सामने आती है।